नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं इस समय एक ऐसे शख्स के पास जिन जो परिचय के मोहताज हैं। स्वास्थ्य विभाग में जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया, सबसे बड़ा काम उन्होंने टीबी के क्षेत्र में किया, जिसका सीधा सा अर्थ है आज रीवा में टीबी के बहुत कम पेशेंट बचे। अब उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, उनको रीवा में CMHO के रूप में पदस्थ किया। इसके पहले आप CMHO सीधी भी थे। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मिश्रा जी। जी हाँ, न्यूज नेटवर्क टुडे को समय देने की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप यह बताइए, आपकी प्राथमिकताएं क्या है? धन्यवाद जावेद जी। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा पूरी नौकरी 32 वर्ष की रीवा में ही रही है। प्रारंभिक 10 वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, इसके बाद रीवा में ही था। मैंने 16 वर्ष जिला टीबी अधिकारी और नोडल अधिकारी एड्स के रूप में कार्य किया है। विगत 1.5 वर्ष से मैं सीधी जिला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी था। अभी 15 दिन पहले मेरा स्थानांतरण रीवा के लिए हुआ है। और मैं जितने भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, 2 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का, आम हर परिवार तक स्वास्थ्य योजना को पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। वर्तमान में देख ही रहे हैं, 1.5 वर्ष से कोविड ने पूरे विश्व को के साथ में ही भारत को भी या हमारे रीवा जिले को भी प्रभावित किया है। दूसरी लहर अभी समाप्त ही हुई है कुछ महीनों पहले। अच्छी खुशी की बात है कि वर्तमान में एक भी पॉजिटिव मरीज हमारे जिले में नहीं है। तब मैं बीच में आपको रुकूं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रीवा इनका जाना पहचाना जगह रही है। जैसा कि आपने खुद बताया, पूरी जिंदगी लगभग 16 साल आपने रीवा में काम किया, टीबी के क्षेत्र में तमाम उन जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर भी कैंप लगाया, जहां पर लोगों का, आम आदमी का इससे वास्ता पड़ता था, उनकी समस्याएं हुआ करती थी हेल्थ को लेकर। टीबी के क्षेत्र में तो उल्लेखनीय काम किया। हालांकि रीवा में बीड़ी पत्ती का कारोबार बहुत ज्यादा था, टीबी का वो ही बड़ा काम था, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। आज केवल कोरोना को लेकर डॉक्टर साहब एक बड़ा सवाल है। सरकार ने स्कूल खोल दिया है, अब उन स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, उसको लेकर आपके स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी? निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कदम है। जैसे जैसे नियंत्रण कोविड पे पाया गया, उन्होंने धीरे धीरे अपने सभी गतिविधियों को धीरे धीरे खोलना प्रारंभ किया, और उसी कड़ी में स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया गया है। 50% संख्या छात्रों की संख्या के साथ स्कूल खुल रहे हैं, और मैं इसका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों तक लॉकडाउन या घर में रह के मुझे दो ही लोगों के ऊपर सब निश्चित रूप से गतिविधियां सभी को प्रभावित किया है, लेकिन ये जो छात्र हैं स्कूल नहीं जा पाए हैं, दूसरा जो युवा तबका है ये रोजगार की तलाश में थे, वो प्रभावित हुए हैं। सर्वाधिक दो चीज़ें मुझे पीड़ा देती हैं, और स्कूल खोलना स्वाभाविक है, तो उसके साथ में स्कूल प्रबंधन को चिंतन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 50% के साथ छात्रों को बुलाएं, टॉयलेट वगैरह पर्याप्त मात्रा में हो, और उसका क्लीनलीनेस सफाई का व्यवस्था करना, मास्क निश्चित रूप से प्रयोग करें, बिना मास्क के कोई छात्र ना आए। रिक्शा वाले, ऑटो वाले, ये भी सब मास्क का प्रयोग करें, सभी हमारे टीचर्स मास्क का प्रयोग करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सैनिटाइजर हर चैम्बर में होना चाहिए, और ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको भी कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मेरी ये सभी से अपील है, कोविड को बिल्कुल नहीं भूलना है। देखिए, कोविड अगर भूल गए आप तो कोविड आपके घर आएगा, बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। कोविड को दिमाग में रखिए, साथ ही डॉक्टर मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है। जैसा कि आप लोग लगातार कैंप करते रहे हैं, निकट भविष्य में आपका जो कैंप है वो कब है, और जरा कैंप के बारे में हमारे दर्शकों को भी बताएं। कैंप तो सतत रूप से चलेंगे ही। अभी हम पहली प्राथमिकता हमारी कोविड टीकाकरण चल रही है, तो आपने सुना ही होगा कि वैज्ञानिकों का, वरिष्ठ चिकित्सकों का शंका है। यद्यपि मेरा ये मानना है कि कोविड नई बीमारी है, इसके बारे में किसी को, इवन वैज्ञानिकों को भी नहीं क्लियर है कि क्या भविष्य होगा, होने के बाद इसका हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं। तो
इसको तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना का टीकाकरण ही हमारे पास महत्वपूर्ण हथियार है और इसका उपयोग करना चाहिए। और रीवा जिले में 17.5 लाख जो हमारे 18 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं, 18 वर्ष से लेकर 100 साल तक के लोग 17.5 लाख हैं और 11.5 लाख लोगों को लग चुका है टीका। लगभग 65% हम लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में तीसरी बार विशेष महाअभियान 17 तारीख को रखा हुआ है। उसका उद्देश्य है कि पहला डोज कम से कम हम जितने मध्य प्रदेश के नागरिक हैं तो उनको पहला डोज सितंबर महीने में सबको लग जाना चाहिए। उसी में हम लोग भी तैयारी किए हैं। आज भी कलेक्टर साहब के साथ हमारी बैठक हुई है। कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम इस सफल होंगे। अनुमानित 75,000 लोगों को मेरा लगाने का लक्ष्य है। कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है और इतना डोज वैक्सीन मैंने मांगा है और आपसे अपील है कि जितने भी हमारे लोग पहली डोज नहीं लगवाए हुए हैं 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग वो टीका लगवाएं और जिनको सेकंड डोज कोविशील्ड का 24 जून के पहले पहला डोज लगा है वो सारे लोग सेकंड डोज लगवाएं। जब दोनों डोज लगेंगे तभी हमको पूर्ण रूपेण रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी और इसलिए ये टीकाकरण में सभी सहयोग करें। 17 तारीख को महाअभियान, उस महाअभियान में 75,000 हम डोज लगाएंगे। कोरोना से बचाव का एकमात्र तरीका टीकाकरण। टीकाकरण हो गया, इसका सीधा सा अर्थ है आप कोरोना से बच गए। वर्तमान हालात में यही कहा जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो जैसे बचपन में कहा जाता था स्कूल खुल गए हैं, फर्स्ट डिवीजन 65% लोगों को यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण करा दिया। बाकी लोगों को भी टीकाकरण लगातार प्रयास जारी है। पर डे यहाँ कैंप लग रहा, 17 तारीख को एक बड़ा कैंप लगेगा। न्यूज नेटवर्क टुडे की टीम भी अपने दर्शकों से अपील करती है, खासतौर से उन टीचर्स से, उन बच्चों से जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे अपने पेरेंट्स को टीका लगाने के लिए जरूर प्रेरित करें। अगर ऐसा हो गया तो निश्चित रूप से जो आज के हालात हैं, जिस तरीके से रीवा में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है, निकट भविष्य में भी यही हालात बने रहें, ये पूरे रीवा शहर की इच्छा है, प्रशासन की इच्छा है, स्वास्थ्य विभाग की इच्छा है। हम इस खबर पर आगे भी नजर बनाए रखेंगे। 17 तारीख को जो भी होगा उसकी खबर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।